नमस्कार, आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति और क्षेत्र के बारे में। अर्थशास्त्र की प्रकृति या क्षेत्र की बात जब हम करते हैं तो अर्थशास्त्र क्योंकि हमारा एक गतिमान विज्ञान है तो इसके क्षेत्र के अंदर हमें तीन बातें शामिल करनी होती हैं। एक है अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, दूसरा है अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव और तीसरा है अर्थशास्त्र की सीमाएँ। तो पहले हम बात करें अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री भी हमारी सभ्यता के विकास के साथ साथ बदलती चली गई है। अर्थशास्त्र के विकास की प्रारंभिक अवस्था में एडम स्मिथ और उनके सहयोगियों ने इसे धन का अध्ययन कहा था और एडम स्मिथ का इसके बारे में ये कहना था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है जो धन का अध्ययन करता है। इसी तरह के मत मिल, वॉकर, इस तरह के उस समय के अर्थशास्त्रियों के रहे हैं। इसके बाद में कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों ने प्रतिष्ठावादी अर्थशास्त्रियों की विचारधारा के दोषों को देखते हुए और उनका निराकरण करने के लिए अर्थशास्त्र में भौतिक कल्याण के साथ साथ इसमें सामाजिक कल्याण को भी महत्व दिया। जैसे प्रोफेसर मार्शल पीगू कैनन, इन्होंने सामाजिक वास्तविक और सामान्य व्यक्तियों की आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन को ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में शामिल किया था और इसमें इन्होंने मानव को प्राथमिक और धन को गौण स्थान दिया। कल्याणवादी अर्थशास्त्रियों की जो ये विचारधारा थी, इस विचारधारा के भी अपने कुछ ड्रॉबैक्स रहे, इसकी कमियां रहीं। तो प्रोफेसर रॉबिन्सन ने इसका जोरदार खंडन किया और इन्होंने अर्थशास्त्र की इस विषय सामग्री को काफ़ी संकुचित बताया। मानवीय क्रियाओं को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री माना, जिसका संबंध असीमित साध्यों और सीमित साधनों से किया से होता है। तो प्रोफेसर रॉबिन्सन ने ये कहा कि अर्थशास्त्र का वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अध्ययन साध्यों और वैकल्पिक उपयोग वाले सीमित साध्यों के बीच संबंध के रूप में करता है। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री की बात अगर जब हम करते हैं तो ये विषय सामग्री हमारी इतनी व्यापक हो जाती है कि उसके वैज्ञानिक अध्ययन के लिए हम अर्थशास्त्र को 5 भागों में विभक्त करते हैं, जिसमें पहला है उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा विनिमय, चौथा वितरण और पांचवा राजस्व। उपभोग हमारे अर्थशास्त्र का वह भाग है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं और उसकी संतुष्टि संबंधी क्रियाओं और नियमों का अध्ययन किया जाता है। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने उपभोग को कम महत्वपूर्ण माना था, पर आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने उपभोग को आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत माना है। दूसरा है उत्पादन। उत्पादन का अर्थ उपयोगिता का सृजन करना होता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। इस भाग के अंतर्गत उत्पादन के साधन, उत्पत्ति के नियम, समस्याएं, साधनों की पूर्ति, उपयोगिता सृजन आदि संबंधी क्रियाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। तीसरा है विनिमय। विनिमय के अंतर्गत हम वस्तुओं के उत्पादन में श्रम विभाजन, आवश्यकताओं के विस्तार, बड़े पैमाने की सामूहिक उत्पत्ति से विनिमय की समस्याओं के बारे में, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। तो इसके अंदर हम क्रय विक्रय, मूल्य निर्धारण, मुद्रा, बैंक व्यवस्था, व्यापार, इन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। चौथा है वितरण। सामूहिक उत्पत्ति में से विभिन्न उत्पादन के साधनों का प्रतिफल निर्धारण करना वितरण का विषय क्षेत्र है और इसके अलावा उत्पादन के विनिमय से प्राप्त आय की उत्पत्ति के साधनों में वितरण से होने वाली समस्याओं और उनके नियमों का अध्ययन इस वितरण की विषय सामग्री है। पांचवा है राजस्व। राजस्व में जब हमारे सरकारों का हस्तक्षेप राज्य आर्थिक क्षेत्र के अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है और राज्यों को अपने बढ़े हुए उत्तरदायित्वों को निभाने के लिए
कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए आय के स्रोत जुटाने पड़ते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में व्यय करना पड़ता है, तो इसलिए राजस्व का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो राजस्व में हम सरकार की या राज्य की आय व्यय संबंधी समस्या और उससे संबंधित नियमों का अध्ययन करते हैं। इसमें हम सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण, बजट निर्माण, इन सब क्रियाओं का अध्ययन इसमें करते हैं। दूसरा है अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति के संबंध में तीन प्रश्नों के उत्तर हमें चाहिए होते हैं कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है, अगर विज्ञान है तो ये वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है, और तीसरा ये कि क्या अर्थशास्त्र कला भी है। तो सबसे पहले तो हम इसके अंदर ये देखें कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है। विज्ञान का अर्थ क्या है, सबसे पहले हमें इसके लिए ये देखना होता है। तो विज्ञान हमारे ज्ञान का वो क्रमबद्ध संग्रह है जो कि कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है। इस तरह से विज्ञान कारण और परिणाम के बीच संबंध की बात करता है। अर्थशास्त्र हमारा विज्ञान है वो कैसे है, इसके लिए कुछ तथ्य दिए जाते हैं, जिसमें पहला है अर्थशास्त्र में आर्थिक तत्वों का क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित किया जाना और उनका वर्गीकरण और विश्लेषण, वो भी हमारा क्रमबद्ध तरीके से होता है। दूसरा है अर्थशास्त्र में भी विज्ञान की भांति कारण और परिणाम संबंध स्थापित किया जाता है और उनके निरीक्षण और परिणामों के द्वारा नियमों का प्रतिपादन किया जाता है। तीसरी बात है कि अर्थशास्त्र में भी विज्ञान की भांति प्रयोग संभव है, हालांकि हमारे यहाँ कोई एक ऐसी लैबोरेटरी नहीं है, पूरी मानव सभ्यता ही हमारी लैबोरेटरी या प्रयोगशाला का काम करती है, मानव समाज हमारी इस प्रयोगशाला का काम करता है। फिर चौथा तत्व जो इस बात को कहता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, वो है अर्थशास्त्र में भी प्रयोगों से आर्थिक नियमों और सिद्धांतों की सत्यता को जांचा जा सकता है। और पांचवी बात है कि अर्थशास्त्र में भी भविष्यवाणी संभव है। तो ये कुछ ऐसे तथ्य हैं जो कि ये कहते हैं कि अर्थशास्त्र हमारा विज्ञान है, लेकिन कुछ अर्थशास्त्री ऐसे भी हैं जो कि इसे विज्ञान मानने से मना करते हैं या इसके विरोध में कुछ तर्क देते हैं, जिसमें ये कि सब अर्थशास्त्री एकमत नहीं होते और उनके सबके मतों में बहुत विभिन्नता पाई जाती है। हालांकि ये तर्क उचित नहीं है क्योंकि सभी गतिमान और विकासशील चरों और शास्त्रों में ये समस्या होती ही है। दूसरा है मानव व्यवहार के बारे में निश्चित भविष्यवाणी संभव नहीं होती है और इससे हम निश्चितता का अनुमान भी नहीं लगा सकते। और तीसरी बात इसमें यह कि ये तर्क भी कभी कभी ये दिया जाता है कि अर्थशास्त्र में जिन आंकड़ों पर तथ्य और निष्कर्ष आधारित होते हैं वे आंकड़े बदल जाते हैं और उत्पादन की पद्धतियों और संस्थाओं में भी परिवर्तन हो जाता है, तो इससे आर्थिक नियम स्थायी नहीं रह सकते और ऐतिहासिक रह जाते हैं। और चौथा जो इसके विपक्ष में तर्क दिया जाता है वो ये है कि आर्थिक नियम परिमाणात्मक नहीं होते हैं। अब वास्तव में ये अर्थशास्त्र विज्ञान है या आदर्श विज्ञान है या दोनों हैं, ये अगर हम देखें तो अर्थशास्त्र को हम विज्ञान मान लें तो अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान ही है। अर्थशास्त्र का आदर्शात्मक पहलू भी है। तो कुल मिलाकर के अगर हम इसको देखते हैं तो अर्थशास्त्र हमारा वास्तविक और आदर्श दोनों विज्ञानों के रूप में कहीं ना कहीं इसको हम ले सकते हैं और देख सकते हैं, और ये आदर्श भी है, नीति प्रदान विज्ञान भी है, और कुल मिलाकर के ये हमारा विज्ञान भी है। शिक्षा